हूँ अमित कुमार सिंह और मैं बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा होम टाउन सिवान डिस्ट्रिक्ट है और मेरा जन्म कर्म लगभग एजुकेशन आसाम में रहा है। आसाम के एक छोटे से गांव, बहुत ही छोटे से गांव, जितना भी आप लोग समझ रहे होंगे उससे भी कहीं छोटा सा गांव, आप लोग जितना उम्मीद कर रहे होंगे सर उससे भी छोटा सा गांव में मैं वहां पर रहा हूं और अपने एजुकेशन को किया हूं, क्लास 8 तक की पढ़ाई किया। मतलब एक प्लेग्राउंड में जिस जगह से मैं पैदा हुआ, जहां से मैं अपना लाइफ को छोटा सा ग्रो किया, वहां पर कोई बड़ा सपना नहीं दिख पाता है सर। क्या होता है लाइफ में, कैसे ग्रो होना है, कुछ भी नहीं। तो उस जगह से मैंने अपनी एजुकेशन लिया, क्लास 8 तक की पढ़ाई किया, वहां से अपना एक ड्रीम एक था अपने अंदर में, कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा कर गुजरने का एक ड्रीम था सर। ड्रीम को पैदा करते हुए रहा और क्लास 9th में मैं बिहार अपने होम टाउन आया और यहाँ से मैं अपना एजुकेशन को क्लियर किया। क्लास में 10th तक मैं क्वालिफाई किया। इकलौता बेटा हूँ और हर किसी के फैमिली में एक ऐसा नॉर्मल सी फैमिली में रहा और उस फैमिली से देखते हुए अपने एक अच्छा एक कुछ करने का कुछ एक जुनून था मेरे अंदर से, लेकिन वो जुनून प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी पैसा है, बहुत सारा लाइफ सेटल हो सकती है। लोग कहते थे क्या करूँ, मैं अपने आप को ढूंढता था, मैं कहाँ पे कौन से व्यवसाय, कौन से ऐसा काम कर दूँ जो कि मैं अपने लाइफ को आगे ग्रो कर लूँ, मैं लाइफ में अपना बहुत बड़ा एक कुछ मुकाम हासिल करूँ। ये उस समय मैं सोचता था, उस समय की बात कर रहा हूँ। लेकिन तब मैंने क्या किया, तब की बात कर रहा हूँ, तब नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म मेरे अंदर में आया और उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही लोगों को कहना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तुम भी इसमें आ गया। वाकई में मेरे भी दोस्त फ्रेंड्स जितना भी रिश्तेदार घर में फैमिली में सारे लोग कहने लगे भाई तुम ऐसे व्यवसाय में आ गया जहाँ पर सारे लोग नेगेटिव ही है। वाकई में हर किसी को नेगेटिव रहता है सर, इतना नेगेटिव, फिर भी मैं अपने आप को पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव बनाया, पॉजिटिव बनाया अपने आप को अंदर से, इतना नेगेटिव। मतलब सारे लोग एक और मोटिवेशनल स्पीच मैंने सुना था, सारे लोग जब कह देना कि सब तुम गलत ट्रैक पे हो, इसका मतलब सच जाहिर होता है कि मैं सही रास्ता पे हूँ, सही रास्ता पे हूँ, राइट प्लेटफॉर्म पे हूँ, कंसेप्ट पे हूँ। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन जगाया, काम किया, काम करते गया, कुछ अचीवमेंट्स लिया। बस करते बहुत सारे लोगों को नेगेटिव पोजीशन आने लग गया और आने के कारण मेरा बिजनेस फिर से इसको नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड करते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती रहती थी, फिर भी एक ऐसा दौर आया कि नहीं, गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीबी मर जाना आपकी गुनाह है, ये गलत बात है। तो इस सारी चीज़ें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैं सुना, बहुत सारे अंदर एनर्जी का आग लगाया और लगा के मैं एक ऐसा कंसेप्ट को मिल गया और उस कंसेप्ट को मैंने स्टार्ट कर दिया। दोस्त याद रखिएगा दोस्त, दो तरीके के इंसान मिलते हैं। पहला इंसान या खुद बदल जाता है, दूसरा एक ऑप्शन है या उसको समय बदल जाता है। दोस्त आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर के अंदर आत्मा से सोचिए क्या आप राइट जगह हैं, क्या आप करेक्ट प्लेटफॉर्म में हैं, क्या आप अपने लाइफ को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आया हूँ और बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आज इस स्टेज पर ग्रो कर रहा हूँ। मुझे शुक्रगुजार करता है इस डायरेक्ट सेलिंग में एलेक्स प्लेटफॉर्म को, मैं इस प्लेटफॉर्म में चूज किया। और इस प्लेटफॉर्म में एक बात क्लियर होता है कि आपको पैसा तो मिलेगा, लेकिन पैसा के कमाने के पीछे मत भागना। इतने दिन का मैं एक्सपीरियंस के बात को शेयर कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए पीछे आप मत भागिएगा, क्योंकि पैसा आप तो कमाएंगे, लेकिन आप अपने एजुकेशन बिल्ड करने के लिए लीजिएगा। एजुकेशन बिल्ड करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना जरूरी है। एजुकेशन इज द मोस्ट पॉइंट, एजुकेशन यहाँ पर लर्निंग एंड डेवलपमेंट इतना मिल जाता है जो बाकी के कहीं लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं तब भी उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाता है। आप लोगों को शायद पता होगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, पूरे बिजनेस आइकॉन को देखते हैं, उन्होंने भी कहा डायरेक्ट सेलिंग में मैं अपना बेटा को भी ज्वाइन कराऊंगा कुछ दिनों के लिए। सही, कुछ दिनों के लिए है सही, लेकिन करे या ना करे उसकी मर्जी है, करे या ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं उसको डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कराऊंगा, उन्होंने कहा।
क्योंकि यहाँ पर लर्निंग एंड डेवलपमेंट इतना मिल जाता है, बाकी और कहीं भी जाएंगे तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट मिलने के लिए लाखों रुपया खर्च करेंगे, लेकिन वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट नहीं मिल पाता है दोस्तों, पॉसिबल नहीं होता है वो। ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग फ्री में एजुकेशन मिल रहा है सर, फ्री में। मैं लाखों करोड़ खर्च नहीं किया, मैं इस इंडस्ट्री से सीखा हूँ। आज खुद आप लोग देखते रहे हैं, खुद मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स अभी यहाँ पर लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप लोग मैं जमीनी स्तर पर देखे हैं सर, मैं कैसे ग्रो किया, मैं अपने लाइफ को कैसे रहने वाले लेकर आया। ड्रीम था सर कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, कुछ बड़ा करने का। अगर ड्रीम नहीं होता तो क्या मैं भी अगर चाहता तो आम लोगों की तरह जी सकता था, 10-20,000-25,000 की नौकरी कहीं भी कर सकता था, अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन वो करना नहीं है। मेरा ड्रीम कुछ बड़ा करने का, कुछ फैमिली बैकग्राउंड चेंज करने का। कुछ लोगों को ये भी कहना है सर बड़ा बन के क्या करोगे सर, नॉर्मल फैमिली रहना है, 2-4 फैमिली है, अपना सिंपल से सेट हो जाना है, बस उतना ही में अपना फैमिली को चलाना है सर। फिर एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है सर, आपकी बात सही है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर, आपकी बात सही है, एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, फिर नॉर्मल फैमिली रहना है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे सर? और भी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक घुस दे रहे हैं सर, फिर क्यों किस लिए घुस दे रहे हैं सर? डोनेशन क्यों दे रहे हैं, किस लिए? अगर आपने उतनी क्षमता है, अगर आपने उतनी काबिलियत है, अगर आपने उतनी काबिलियत है, अगर आपने उतनी क्षमता है, वो पैसा को बिजनेस में खड़ा कीजिए। यकीन 100% मैं लिख के दूंगा, आने वाले 5 साल के बाद वो 10 लाख का 20 लाख अगर आपका ना हो जाए तो फिर मेरा नाम बदल। अगर आपके पास पैसा होता सर, मैं भी बहुत सारे लोगों को बाहर भीतर घूमते रहता हूँ, बहुत सारे गरीब इंसान को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसे मैं नहीं कर पाता। आप भी चाहते होंगे सर बाहर भीतर घूमते होंगे, आप भी बहुत सारे गरीब व्यक्ति को, बहुत सारे ऐसे लोगों को गांव में ऐसे लोगों को देखते होंगे, किसी बहन बेटी की शादी होती है लेकिन उनकी फैमिली में इतना कंडीशन खराब होने की वजह से शादी में ज़्यादातर दहेज का एक माहौल बना रहता है, ज़्यादातर दहेज का माहौल। बात को ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट नंबर दहेज का माहौल लोग नहीं दे पाते। अगर आपके पास होता पैसा होता तो क्या आप उन लोगों की मदद नहीं कर सकते थे? क्या आपके अंदर वो काबिलियत नहीं उनको कर? है सर, आपके अंदर है, आपके अंदर काबिलियत है, बट आप करना नहीं चाहते। जिस दिन आप अंदर आत्मा से एक बार पूछिए, क्या मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता? ढूंढिए अपने आप को, मैं क्या हूं, ढूंढिए। अगर वही धीरू भाई अंबानी सर विदेश जब गए थे, शुरुआती दौर पे विदेश गए थे, बहुत ही कम चंद दिनों में उनकी एक ऐसी पोस्ट सुपरवाइजर का पोस्ट मिल गया, और बहुत ही कम समय में उनके प्लांट मैनेजर की पोस्ट मिला होता। अगर वही प्लांट मैनेजर की पोस्ट एक्सेप्ट कर लिए होते तो आज धीरू भाई अंबानी को मैं और आप नहीं जान रहे होते, आज रिलायंस इंडस्ट्री को मैं और आप नहीं जान रहे होते। उनका एक ही कहना है, एक ही मकसद है, आप जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, आपकी सोचने पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है सर आपकी सोचने पर। कोशिश करेंगे, एक बात रखना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो शब्द बोल रहा है ना साला, सबसे फालतू शब्द, सबसे बेकार शब्द है। कोशिश जो कर रहा है करते रह जाएगा, कभी सक्सेस नहीं होगा। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, करने वाला कभी सक्सेस। आप एक बात समझिए, एक बात याद रखिए, अगर एक व्यक्ति अगर सामने खड़ा है, एक व्यक्ति को सामने खड़ा कर दिया है, आप इमेजिन कीजिए, सामने व्यक्ति को खड़ा कर दिया है और एक व्यक्ति को हाथ में चाकू थमा दिया, आंख बांध दिया गया है, राइट, आंख बांध दिया गया, चाकू थमा दिया गया, और जो व्यक्ति को खड़ा किया उसके ऊपर सेब रखा गया और उसको कहा जा रहा है चाकू से काटो, उस सेब को चाकू से काट दो, वाकई में बंदा वो काट दिया सेब से, चाकू से सेब को काट दिया, लेकिन वो कहा होता सर मैं कोशिश करता हूँ, उसको दो चबड़ मार के भगाता, चला तो कोशिश करने के लिए आया। अगर वो गलत कंडीशन लग जाता तो वो बंदा को व्यक्ति की जान भी जा सकती है। कहेंगे अपने फैमिली से चलो आज प्यार करने की कोशिश करते हैं तो क्या रे सफल होगा? कहेंगे आप फैमिली से चलो आज डिनर करने की कोशिश करते हैं? कोशिश सबसे बेकार शब्द, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कहने वाला सबसे बेकार शब्द। कर या मर एक ही पोजीशन पे है, मेरे
एलेक्स प्लेटफॉर्म को मैं सलूट करता हूं सर, ये प्लेटफॉर्म मेरे अंदर में आग भर के रखा है सर। मैं एमएलएम इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रन तो कर रहा हूं, इस एलेक्स को सलूट कर रहा हूं सर। इसका देन है कि मैं आप लोगों तक इस मैसेज को रख पा रहा हूं, मेरे अपने लाइफ के बारे में, लाइफ में कैसे ग्रो किया, ये सारी चीजें आप तक शो कर रहा हूं सर। फोकस कीजिए, सपना देखिए ना, सपना देखना शुरू कीजिए ना, यकीन मानिए सपना आपका पूरा होगा। देखिए सपना देखते नहीं चाहते, सपना दो थाल भात खा के और खाना खा के सो गए, बस मैं आने वाले कल समय में मैं इतना करोड़पति बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा नहीं सर। सपना देखिए, रियलिटी पे देखिए सर, रियलिटी पे सपना जब देखिएगा ना तो आपको नींद चैन सब आना भूल जाएगा सर। सपना एक बार देखिए जरूर, ईमानदारी से देखिए सर। कुछ ही टारगेट लीजिए सर, कुछ ही थोड़ा नहीं, कहां जा रहे हैं आप? आप अपने लाइफ के बारे में सोचिए सर, क्या करने आए हैं इस दुनिया में, क्या करने के लिए आए हैं? भगवान ने हम सब इंसान को एक ही समय दिया, 24 घंटा ही दिया सर, किसी को एक्स्ट्रा नहीं दिया, सबको 24 घंटा ही दिया है। आपको भी 24 घंटा, मेरे को भी 24 घंटा, हमारे पास भी दो हाथ दो पांव दो पैर, अंबानी अडानी सबके पास दो हाथ दो पांव दो पैर सबके पास है। इसे ग्राउंड से खड़ा किया ना अपने एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर ग्राउंड से खड़ा किया ना, उस तरफ सोचा ना, आप सोचिए ना, आने वाले समय की बहुत बड़ी एक ग्रोथ लाने वाली सर, आने वाले समय की बहुत बड़ी ग्रोथ लाएगी डायरेक्ट सेलिंग की। जब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डायरेक्ट सेलिंग में, जो जो लोग आ चुके हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त खुशी है, मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों को। डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय में ग्रोथ है सर। अब सभी लोग सेल रहे हैं, कोरोना वायरस में भी ऐसी महामारी चल रहा है, क्योंकि अभी रूप भी चेंज हो गया है, पहले से जो रूप था उसी भी दूसरा रूप ले लिया है, किसी का भी नेगेटिव भी आ जा रहा है, लेकिन है उसके अंदर कोरोना है, क्योंकि अलग इसका रूप धारण कर लिया है, तो ये सारी चीजें सेफ एप्लीकेशन में रहे, लेकिन सारा बिजनेस साइकिल बंद पड़ चुका है, स्टॉप हो चुका है। उसके लिए ग्रो होने वाला एक डायरेक्ट सेलिंग है कि हर कोई कहीं भी कर सकता है सर, डायरेक्ट सेलिंग कहीं भी खड़ा कर सकते हैं, बिजनेस कहीं भी निकाल सकते हैं सर। इसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग, मोस्ट वेलकम डायरेक्ट सेलिंग। आप सभी लोग सोच सर्च कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में भविष्य आपका बना सकते हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति बन सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में अंबानी अडानी सब कुछ बन सकते हैं सर। सपना तो पहले रखिए, सपना रखिए सर, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा करने का, कुछ अपने गांव माहौल को चेंज करने का, अपने आप को एक ड्रीम बना लीजिए, मुझे करना है इसको ग्रो कर देना है, मुझे बड़ा कुछ करना है, कुछ बड़ी अचीवमेंट खड़ा करना है, ये ड्रीम बना लीजिए सर। नहीं बनाइएगा बहुत पछताइएगा, आने वाले समय में आपके बेटा सब पूछेंगे पापा इस समय में किस क्यों ग्रोथ नहीं हुआ। आप ही एक इमेजिन कीजिए, नहीं होगा तो गूगल करके डाटा चेक कर लीजिए, आने वाले पिछले 5 साल का और पिछले 5 साल के इधर कितने लोग अमीर करोड़पति बने, कितने करोड़पति फास्ट इधर बने और कितने करोड़पति उस समय में बने थे, 10 साल के बीच में एवरेज में आंकड़ा कीजिए और आने वाले 5 साल के ये भी आंकड़ा निकाल लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी ग्रोथ लाई है अभी इंडिया के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग कितनी बड़ी है अभी 5 साल के अंदर, कितनी बड़ी ग्रोथ लाई है और 5 साल के पहले कितनी बड़ी ग्रोथ थी ये भी चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर बिजनेस ग्रो हो रहा है, चल रहा है, क्योंकि गाइडलाइन आ चुका है, गाइडलाइन आने की वजह से बहुत सारे बिजनेस टिकल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए बस। आप कौन सी सिस्टम पे, किसी भी सिस्टम में हो सर, आप मेरे एलेक्स में आए ना आए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है, आप आए तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन आप इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने के लिए आपको मैं एक क्लू में दे रहा हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड होनी चाहिए, प्रोडक्ट मार्केट फिट का होना चाहिए, ठीक है, और एथिकल उसका बिजनेस प्लान होना चाहिए। मैं आप एक बार अंदर आत्मा से देखिए, अगर मैं इस सिस्टम को करूंगा तो आने वाले 7-8 साल में क्या मैं ग्रो हो सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। मैं एलेक्स को फिर से मेरे अंदर मैं आया, मेरे लाइफ में आया, मेरे भविष्य में आया और एलेक्स ने मुझे बदल दिया मुझे। आप लोगों तक बोल रहा हूँ लर्निंग एंड डेवलपमेंट कहीं और से नहीं लिया, डायरेक्ट सेलिंग से लिया और एलेक्स प्लेटफॉर्म से लिया, ये सारी लर्निंग एंड डेवलपमेंट यहाँ से लिया हूँ, कहीं और मैं भी अगर कहीं और लोगों की तरह सोचा होता तो कहीं और मैं भी अभी तक कोई जॉब ही कर रहा होता, सर किसी अभी नौकरी कर रहा होता, लेकिन यहाँ से मैंने चेंज कर दिया है, उस जीने का तरीका तो बड़ा चेंज कर दिया है, जीने का अलग ढंग तैयार कर दिया है, अगला मेरा फेसबुक आई डी भेज दिया, क्योंकि इससे प्रो हो गया होगा मेरा फोन सारे जितने नंबर भी बहुत सारे लोग ब्लॉक में डाले, ये बच्चे डायरेक्शन में कदम रखने के सारी मुसीबत आता है, बस उससे डरना नहीं है, कल का सामना करना है।
और जो लोग मेरा साथ में आएंगे ना सर, जो लोग मेरे साथ में आएंगे उनके मैं भी लाइफ चेंज करके रखूंगा। ओपनली चैलेंज सर, इस प्लेटफॉर्म का नेम है कि मैं आपको ओपनली चैलेंज ओपनली खुल के बता रहा हूँ। अमेरिका 32 करोड़ की आबादी का देश है साला, एक एक अमेरिकन चला एक कंट्री करने का ताकत रखता है। हमारा इंडिया के दो चार सिटी है ना, दो चार सिटी एक अमेरिका हो जाएगा सर। हमारा इंडिया के साला यू टोटल पॉपुलेशन बात करो तो 135 करोड़ रहे, 135 करोड़। यूथ आइकन की बात करो तो 60 करोड़ है, 60 करोड़ छोड़िए ऑनली 30 करोड़। मैं खुली ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, ऑनली 30 करोड़ लोग जो भी यूथ है 60 करोड़ का डिवाइडेड 50% ही ले लेते हैं। 30 करोड़ अगर पाँच साल के लिए पूरे ड्रीम के साथ फोकस के साथ काम कर दिया, ओपनली चैलेंज है। अमेरिका का डॉलर और इंडिया का रुपया एक समान ना हुआ तो मेरा नाम फिर बदल, ओपनली चैलेंज है सर। लेकिन ये करना है, बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, थैंक यू, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, आप सभी लोग अपने लाइफ में ग्रो करें और इस मैसेज को फैलाएं। जो लोग भी मेरे साथ एक बड़ी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, बड़ी एक ग्रो करना चाहते हैं, बड़ी एक मुकाम को ले, बड़ी एक प्लानिंग के साथ अगर कुछ करना चाहता है, कुछ कर गुजरने का कुछ मकसद है, कुछ ड्रीम, एक बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को जो कि मेरे इस लाइव सेशन को सुना। और थैंक यू, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।